हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम मनीष चौधरी। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कि आप वीडियो के अंत तक देखेंगे और आप लोगों को देखनी भी चाहिए, क्योंकि आपको आज काफी फायदा मिलने वाला है उन लोगों को जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको देखनी भी चाहिए, क्योंकि आज आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और जो इसकी वीडियो के अंदर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ चीजों को जो डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको फैट लॉस करने में काफी हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छे रिजल्ट पा भी पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी होगी जिससे कि हम अपना फैट लॉस कर सकें, वेट जो हमारा वेट ज्यादा है उसको कम कर सकें। दोस्तों सबसे पहले आपको दो चीजें जो है ना वो फॉलो करनी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो है ना अपनी डाइट जो है ना वो चेंज करनी होगी, ठीक है ना, और आपको एक्सरसाइज से जुड़े रहना होगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज और आपकी जो डाइट है अगर वो ठीक है तो आप अपना वेट जो है आपका जो वेट है ना उसको आप इजी टू लॉस कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सबसे बड़ा इसके अंदर जो रोल है ना वो है कैलोरी का। अगर आप अपना वेट जो है आपका जो वेट है आप उसको लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो डेली डाइट है उसके अंदर अपनी जो आप मान लीजिए आप पहले आप मेल हैं, अगर आप 2500 कैलोरी ले रहे थे पहले तो आपको 2000 करनी होगी, क्योंकि कैलोरी का इसके अंदर बहुत ज्यादा खेल है। आपको एक्सरसाइज के दौरान आपको अपनी कैलोरी भी बर्न करनी होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज और डाइट आपके लिए काफी मोस्ट मस्ट है, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो। और इस वीडियो के अंदर हमने इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं किस तरह से हमें आपका ब्रेकफास्ट से आपका डिनर तक की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी डाइट प्लान है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अब शुरू करते हैं आपका सुबह से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आप सो के उठते हैं ना तो आपको क्या करना है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सुबह जैसे आप सो के उठते हैं तो आपको करना है कि आपको 2 गिलास कम से कम थोड़ा सा जो आप गर्म पानी जैसा कि आप जिसको आप इजी टू पी सकें उसको लेना है और आपको 2 गिलास कम से कम पीना है, ठीक है। पीने के बाद आपको उस गर्म पानी का जो रोल है ना हमारी बॉडी के अंदर वो जब बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है कि जो आपका जो हमारी जो बॉडी का जो है ना जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उसको फास्ट करने में आपका हेल्प करेगी। और हाँ दोस्तों ये जो है ना प्रोसेस 1-2 दिन में या हफ्ते भर का ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे कि आपको रिजल्ट देखने को, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं देगा, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म का ही है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप इजी टू वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं भी हमें और क्या करना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज करें जरूर रोज की रोज, आपको रोज रोज आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज जो है ठीक है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको बढ़ाना है। आपका जो आपका जब आपने शुरुआत की थी तो आपने थोड़ा स्टार्ट की थी, फिर उसको पर डे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है जिससे कि आप अपनी कैलोरी बर्न कर सकें और आप एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आप एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ठीक है ना, आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करते हैं तो आपकी कैलोरी कम से कम 700 कैलोरी तो कम से कम 1 घंटे के अंदर बर्न हो जाएंगी अगर आप एक्सरसाइज आपका अगर आप रनिंग करते हैं। हाँ अगर आप थोड़ा सा रस्सा कूदते हैं तो उसमें थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, आप आधे घंटे में 700 के समथिंग आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी फॉर्म में और एक प्रॉपर वे में अगर आप उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं डाइट में अपनी क्या ऐड करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि जब आपको सुबह आप अपने पानी पी लिया गर्म, ठीक है, आपने एक्सरसाइज की है, ठीक है ना, एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है पैसे ले सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा प्रोटीन डाइट लेनी है जिससे कि आपकी बॉडी को अच्छी रिकवरी मिल सके, ठीक है ना, आपकी बॉडी जो है ना वीक ना हो, आपकी बॉडी ग्रोथ करे, डेवलप हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ आपको जो है ना थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी पर डे की जो कैलोरी है वो थोड़ी कैलोरी जो होती है उसको थोड़ा कम करना है एज कम्पेयर टू जैसे कि आप जो कि आप पहले ले रहे थे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप मेल हैं, अगर आप 2500 कैलोरी ले रहे थे तो आपको 2000 लेनी है, ठीक है, जिससे कि आपकी वेट लॉस प्रोसेस में आपको काफी हेल्प मिलेगी। और हाँ फ्रेंड्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है ना, अगर आपका कम कैलोरी लेते हैं। और हाँ बस कैलोरी कम करनी है, जो आपकी जो पर डे की जो आपकी न्यूट्रिएंट्स की जो आपकी बॉडी की नीड है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको वेट लॉस में, नहीं तो आपको थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। क्योंकि काफी लोग ऐसा करते हैं, भाई वेट लॉस कर रहे हैं, उन्होंने कैलोरी तो कम कर दी मगर अपनी बॉडी के अंदर जो उनके न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए थे, प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा वो
अवॉइड कर देते हैं और जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी कैलोरी को थोड़ा लॉस कर रहे हैं, अपना कैलोरी कम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देने हैं, जिससे क्या, जिसे आप लिक्विड फॉर्म से, आप फ्रूट से, आप अपना वेजिटेबल से उनकी नीड को पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, आप अगर आप ब्रेकफास्ट की बात कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आप ब्रेकफास्ट में दलिया ले सकते हैं, ठीक है ना, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप अपना वो कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स तो एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो आप उसको दूध में डालकर अपना बहुत जल्दी ही फास्ट ले सकते हैं। आप अपना काम के लिए कहीं भी इजी टू, अपना आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इन चीजों को जरूर फॉलो करें। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपका कैल्शियम होता है ना, आप जो बात कर लेते हैं, तो चलो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको अपनी डाइट में हमने ये चीजें तो ब्रेकफास्ट में तो ऐड कर ली, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो आपका वेट लॉस करते समय अपनी हमें अपनी बॉडी को किन चीजों की जो नीड है वो ज्यादा होती है। सबसे पहली बात तो करते हैं फाइबर। फ्रेंड्स हमें हमारी वेट लॉस करने में फाइबर जो होता है उसका बहुत ज्यादा ही अहम रोल है, एक अच्छा पार्ट रोल प्ले करता है वो वेट लॉस करने में। वो कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि ये वजन लॉस करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर सोल्युबल और इनसोल्युबल दो तरह के फाइबर होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे वेट लॉस प्रोसेस को भी बढ़ाते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी बैलेंस रखते हैं। और जो फाइबर होता है वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे कि आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और आपका जो पेट है आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ लिया हुआ है, मेरा जो पेट है वो भरा हुआ है, मुझे और कुछ खाने की नीड नहीं है और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप फाइबर को जो है ना अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। आप फाइबर ले सकते हैं बनाना से ले सकते हैं, ठीक है ना, आप अपना फाइबर आपका दलिया से ले सकते हैं और काफी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंडसेट्रा, काफी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपना फाइबर को ले सकते हैं। तो लेते हैं बात कर लेते हैं पोटेशियम के ऊपर भी। पोटेशियम हमारी क्या हेल्प करता है वेट लॉस में, फ्रेंड्स पोटेशियम हमारी वेट लॉस करने में ये हेल्प करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है और जो हमारा हार्ट है उसको अच्छा रखता है, उसको हेल्दी रखता है और जो हमारी किडनी है उसको भी दुरुस्त रखता है। तो फ्रेंड पोटेशियम का भी एक अच्छा रोल है, रोल का प्ले करता है आपका फैट लॉस में। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं अगर आप अपने डाइट में इन चीजों को, इन न्यूट्रिएंट्स को अपने ऐड करते हैं। बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना, आप ओमेगा 3 की बात कर लेते हैं। ओमेगा 3 क्या करता है, ओमेगा 3 क्या करता है, हमारी जो भूख है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी फास्ट करता है। ओमेगा 3 आप ले सकते हैं आपका दूध से, दही से, अंडों से और काफी ऐसी चीजें हैं, नट्स से ले सकते हैं आप, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, इन सभी चीजों से आप एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपकी जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है तो वो थोड़ा सा असर करने में बॉडी पर थोड़ा टाइम लगता है, मगर वो एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को भी मिलेंगे, आपको बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो मेरा पर्पज यही था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकूं, वो भी एक नेचुरल वे में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं भाई और क्या चीजें, हाँ और एक फ्रेंड्स आप कैल्शियम भी आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो है ना आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, बोन्स को हेल्दी रखता है और आपके वजन को बढ़ने से रोकता है। कैल्शियम एक अच्छा सोर्स है ये सभी चीजें, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आपको प्रोटीन आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपकी इस चीज के अंदर, क्योंकि जो प्रोटीन है ना आपको भूख नहीं लगने देता और आपकी जो बॉडी की जो नीड होती है, जो उसकी जरूरत होती है उसको पूरा करता है। आपकी जो मसल्स है आपने एक्सरसाइज के दौरान आपने ब्रेक की थी, ठीक है, उनको रिकवरी देता है और उनको अच्छा शेप देता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं भाई और क्या, बस आप इन चीजों को जो है ना अपनी डाइट के अंदर फॉलो करें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा, आप अच्छा रिजल्ट्स पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया था और आप देखेंगे कि पहले मेरा वजन ज्यादा था, मैंने उसको थोड़ा सा लॉस किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए। आप ग्रीन टी भी, हाँ और फ्रेंड्स आप ग्रीन टी भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपना लंच में क्या लें, लंच में फ्रेंड्स आप 2 रोटी ले सकते हैं क्योंकि हमें कम कैलोरी लेनी है, मान लो 2500 ले रहे थे जैसे हमने बात करी है, अब आप 2000 लेनी है तो आपको 2 रोटी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, मतलब सलाद ले सकते हैं वेजिटेबल में आपको, ठीक है ना, आप नट्स भी ले सकते हैं और हाँ फ्रेंड्स आप सूप को भी ले सकते हैं, सूप भी एक अच्छा सोर्स है अगर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने इसी तरह की डाइट आपको फॉलो करनी है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपका कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, अगर आपको कोकोनट वाटर के बारे में अगर थोड़ा सा उसके जो बेनिफिट्स है अगर उसको आपको अच्छी तरह से जानना है क्या क्या उसको बेनिफिट्स होते हैं, तो हमने उसके ऊपर एक पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी जो
कोकोनट है हमारी बॉडी को किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं भाई आपको लंच में तो आपको ये सभी चीज लेनी, ठीक है ना, एक्सरसाइज से जुड़े रहना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप उसके अंदर लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि आपका जूस हुआ, इन चीजों से आपको काफी हेल्प मिलेगी। बस आपको याद रखना है कि अगर आपने कम कैलोरी ली है तो आपकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो आपको नट्स से, आपका फ्रूट से, वेजिटेबल से, ठीक है ना, इन चीजों से मिलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ, आपको थोड़ा सा आलू जो है ना, आलू जो होता है पोटैटो, इस चीज इसको अपनी डाइट से अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपका फैट लॉस करने में थोड़ा सा बाधा डाल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फैट गेन करने में आपकी काफी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप जो आपका स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उनका प्रयोग करें, जिससे कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं, अगर आपको एक्सरसाइज का आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आप वरना, मतलब कहने का मतलब ये, फैट लॉस करते समय आप जो है ना लिफ्ट को अवॉइड करें, स्टेयर्स को फॉलो करें, जिससे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफी अच्छी कैलोरी बर्न होती है, उनसे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे भी दोस्तों, ठीक है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप, हम अपना, हमने अपना ब्रेकफास्ट की बात कर ली, डिनर की बात कर, वो अपना सॉरी ब्रेकफास्ट की बात कर ली, हमने लंच की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हम अपना डिनर की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो हमारा जो रात का जो डिनर है, हमें उसके अंदर लेना है कि जो हमारा डिनर है वो हल्के से हल्का हो। आप उसके अंदर खिचड़ी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप दो रोटी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप सूप ले सकते हैं, ठीक है ना, आप सूप भी ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। बस आपको जो है ना रात को जो है ना फ्रूट्स नहीं लेने हैं, फ्रूट्स आपको अवॉइड करने आपकी डाइट है। और जो आपका मन करे हफ्ते में यार एक, या हफ्ते में अगर आप एक दिन कुछ भी खा सकते हैं, आप हफ्ते में तो यार एक दिन कुछ भी खाएं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो हफ्ते में एक दिन आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ, आपको जो है ना अपनी बॉडी के अंदर पानी का इंटेक अच्छा रखना है, जिससे कि आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपकी बॉडी का जो, आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा रहेगा, आपका जो, मतलब कहने का मतलब ये, पानी एक अच्छी, अच्छा रोल प्ले करता है आपका वेट लॉस में, क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में, आपकी बॉडी को डेवलप करने में काफी अच्छा रोल प्ले करता है पानी। आप पानी का इंटेक भी आपको अच्छा रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, प्रॉपर नींद लेनी है दोस्तों आपको, प्रॉपर जैसे आपको डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप काम भी करते हैं, सब काम करना पड़ता है, आपको डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, बस ये याद रखना है, अगर आप कम कैलोरी ले रहे हैं तो आपको इंटेक अच्छा रखना है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स का, जिससे कि आपकी बॉडी वीक ना हो और आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।